सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग ना 8:30 बजे से हो रही है। वैसे 8:30 से ज़्यादा हो गया होगा टाइम, लेकिन आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है। आज का मौसम देखिए भाई, काफ़ी सुहावना है, आसमान बिल्कुल क्लीन है और काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है। सामने वाली पहाड़ियों का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुहावना है। हमारी तैयारी हो गई है जंगल जाने की और आज हम जंगल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप लोगों को वीडियो में बताते रहेंगे, तो चलिए जी चलते हैं। साथ में अभी मेरे साथ है खुशी और काजल, तो अब चलते हैं। और ये तरबूज का काजल नहीं है, क्या है नाम? कविता वे। हाँ तो चलते हैं अब। यहाँ पे एक कट्टे पे ना हमने एक थाली, कटोरी, करछी वगैरह, मैगी वगैरह भी रख दी है। चलिए जी अब चलते हैं। बाकी यहाँ पे हमने कट्टे भी रेडी कर लिए हैं, कट्टे में हमने सामान वगैरह रख रखा है, तो चलते हैं। तो अभी दिया भी आ रही है हमारे साथ, मम्मी भी आ रही है आपकी। हाँ। अच्छा, और बैल भी आ रहे हैं साथ में, तो नीचे रहे और दिया का भाई। तो यहाँ पे बाबा जी भी मिल गई है। बाबा जी ब्रेकफास्ट हो गया? जी। अच्छा, क्या कर रहे हो? अच्छा, मेरे साथ तो सिर्फ छोटे बच्चे ही जा रहे हैं और वो भी कोई 5 क्लास में पढ़ता है, कोई 4th क्लास में पढ़ता है, और छोटे छोटे बच्चे ही जा रहे हैं हम पुल छोड़ बनाने के लिए। तो हम आज जहाँ पे पानी की टंकी है, जहाँ से हमारे गांव के लिए ना पानी जाता है, तो वहीं पे बनाएंगे हम मैगी। मैगी लार की है हमने, तो हमने सोचा क्यों ना आज छोटे बच्चों के साथ पिकनिक मनाई जाए, वो भी मैगी की। तो अभी हम इतने ही जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, एक दो अभी आ ही रहे हैं और साथ में बैल भी हैं भाभी लोगों के। तो अभी हम लगभग 1-2 किलोमीटर आ गए होंगे अपने घर से दूर, तो अभी हमें ना थोड़ा सा ही जाना है अब पैदल, और मुझे तो साथ में घास भी लेके आना है, क्योंकि घर में 2 भैंसे हैं, उनके लिए देना भी क्या है। और यहाँ दूर दूर तक लोगों ने गेहूँ और जौ की खेती कर रखी है। देखिए भाई, ऊपर जौ की खेती है और ऊपर की साइड बांज के पेड़ हैं, तो काफ़ी सारे बांज के पेड़ हैं भाई जिनमें पल्ला आ रखा है। यहाँ से खेतों का जो व्यू है वो काफ़ी गजब का है भाई। देखिए अब गेहूँ की जो सार है वो भी हल्की हल्की पकने लग गई है और अभी ना खुशी भी आ गई है। कहाँ थी अब तक? अच्छा, तो ये कटोरी ये वगैरह लेने गई थी। एक साइड तो धूप लगी रही है और एक साइड अभी धूप भी नहीं लगी हुई है, शोला शोला सा हो रखा है यहाँ। ये देखिए भाई, और यहाँ पे बन रखी है हमारे गांव के लिए नई टंकी, जिसका पानी सबके घर घरों तक जाता है। तो चलिए जी, अभी कोई पानी लेने के लिए चले गया है टंकी पे, और बैल इधर की साइड छोड़ दिए हैं। बाकी दिया बोली है कि यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे चूल्हा है, पुराना चूल्हा है ना। अच्छा, अब मम्मी कहाँ पे आई आपकी अभी? अच्छा, तो चलिए जी, यहाँ पे भाभी भी पहुँच गई है और भाभी यहाँ पे आग जला रही है, और यहाँ पे चूल्हा पहले से ही था, तो यहाँ पे लकड़ियाँ भी ला रखी हैं साथ में थोड़ा बहुत। तो हमने यहाँ पे आग भी जला दी है, अब चूल्हे में कढ़ाई को रखेंगे। पानी कहाँ है? इधर है ना। यहाँ पे हमने आग तो जला दी थी, लेकिन ना कढ़ाई छोटी पड़ गई है, तो हमने छोटे बच्चों के पास कढ़ाई मंगवा रखी है। और मैंने यहाँ पे ना प्याज टमाटर भी काट दिया है, और आज हम बनाएंगे यहाँ जंगल में मैगी। तो हम मैंने ना 5-6 पैकेट मैगी के ला रखे हैं। Thank you.
बा की उधर भाभी जी भी लगी हुई है रिंगाल की झाड़ियाँ काटी तो उनको घर ले जाने पे लगी हुई है, जो कि राजमा दाल की जो बेलें होती है ना तो उन पे जाती है तो स्वर्णिके काटने पे लगी हुई है। तो चलिए जी, अभी यहाँ पे ना बड़ी कढ़ाई भी आ गई है, इसको हम रखेंगे चूल्हे में। तो चूल्हे में भी रख दिया है और हमने इस छोटी सी बोतल पे ना तेल भी ला रखा है। तो चलिए जी अब मैगी बनाते हैं। ये जी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे तेल। वैसे कढ़ाई छोटी पड़ने वाली है तो हम ना शायद दो पे बना सकते हैं, दो कढ़ाई पे बना सकते हैं मैगी को। तो चलिए जी यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे प्याज। तो चलिए जी लगातार करछी चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो चलिए जी मैगी भी बनके तैयार हो गई है। तो एक कढ़ाई पे तो हमने बना दी है, अब दूसरी कढ़ाई पे बनाएंगे। तो दूसरी कढ़ाई भी हमने चूल्हे में रख दी है। तो चलिए जी यहाँ पे मैगी भी बनके तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरह से रही हमारी आउटडोर कुकिंग, और आउटडोर कुकिंग में हमने सिर्फ मैगी बनाई। अगले दिन लेके आएंगे ना भाभी हम खाना बनाने के लिए जंगल, क्योंकि आज इतना ही हो पाया तो आज हमने सोचा क्यों ना आज हम मैगी बनाए। तो भाभी यहाँ पे मैगी परोस रही है, सबसे पहले हम छोटे बच्चों को देंगे। तो चलिए जी हमने छोटे बच्चों को मैगी भी परोस दिया। कैसी हो रही है? अजीब अजीब दिया। कैसी हो रही है? कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है ना। अच्छा तो यहाँ पे ये रहे मेरे चाचा जी। कड़ा होनी मैगी गंदी गंदी ओ तो बेइज्जती कर रहा मैं तो। तो छोटे बच्चों ने भी मैगी खा दी है और भाभी ने मुझे भी कढ़ाई पर परोस दी है। तो चलिए जी अब मैगी का आनंद लेते हैं। चलिए जी मैगी भी खा दी है और बर्तन वगैरह भी हमने धो दिए हैं, और अभी ना हमने साथ में थमाली और रस्सी भी लेके आ रखी थी। तो अभी हमें ना पल्लिया काटने जाना है, तो वैसे यहाँ से घास लेके जाएंगे। और टाइम ना 11:30 भी हो गई है, वैसे सुबह तो जल्दी आ गए थे, और जो छोटे बच्चे हैं ना वो यहाँ नीचे खेलने पर लगे हुए हैं। तो छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने पर लगे हुए हैं, ये देखिए भाई। तो यहाँ पे ये रहा बांज का पेड़, काफी बड़ा पेड़ है भाई। तो ये भाभी लोगों का है, भाभी ने बोला कि इस वाले बांज को पेड़ को काट, थोड़ा मैं ले जाऊंगी और थोड़ा तू ले जाना। तो चलिए जी अब यहाँ पे बांज काट लेते हैं, और बांज के पेड़ पे नई पत्तियां भी आ गई हैं।
और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाभी क्यों नहीं आई आपके साथ अभी। और भाभी के ना मतलब बैल ला रखे थे यहाँ जंगल में चराने के लिए। जब उस टाइम हम आए थे ना, तो आगे से दिया और दिया का बड़ा भाई बैलों को कर रहे थे, चराने के लिए जा रहे थे, तो ऊपर ले जा रखे हैं, तो ऊपर चले गए हैं, तो उन्हीं को ले आने के लिए गई है भाभी। बाकी छोटे बच्चे यहाँ नीचे काफ़ी शोर कर रहे हैं, वही खेल रहे हैं। आज तो इनकी छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सभी छोटे बच्चों को लेके यहाँ जंगल आए और फिर मैगी बनाए। भाभी लोगों का बांज का पेड़ है, तो ये मैंने आधा काटा और 6 गडुली हो गई। ये लास्ट वाली गडुली है बांधने के लिए, तो भाभी यहाँ से नीचे डाल दिया, फिर वहाँ से भारी लगाने के लिए होता है। और यहाँ नीचे पे है मेरी रस्सी, तो इसके बाद हम भारी लगाएंगे फिर घर जाएंगे। ये रही भाई मेरी रस्सी, तो यहाँ से नीचे डाला भाभी ने, पाल दिया। और बैल उधर की साइड आराम से चलने पर लगे हुए हैं, कोई इधर की साइड है, कोई इधर की साइड है। जंगल से गौशाला भी आ गए हैं, भाभी तो अपने घर चले गई है, मैं भी गौशाला में हूँ। और जो घास था ना मेरे पास, तो मैंने अंदर रख दिया है। अब चलते हैं घर की ओर, और एक भी बज गई है, तो अब घर चलते हैं। काफ़ी थकान भी लग गई भाई। सब ने अपनी भैंसों को देखिए भाई अंदर बांध रखा है, क्योंकि ना जंगली मक्खियाँ काटती हैं भैंसों को, और काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही थी, तो सब ने देखिए भाई अपनी भैंसों को अंदर बांध रखा है। देखिए गौशाला बिल्कुल खाली खाली सी लग रही है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों मैं गौशाला से घर भी पहुँच गई हूँ, और मम्मी और जो मिस्त्री लोग हमारे यहाँ लगे हुए थे, ताऊ जी चाचा लोग, तो वो भी लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, और मम्मी भी आराम कर रही है। तो मैंने तो मैगी खा दी थी, तो मैं लंच नहीं करूँगी, तो अब मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई भाई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।